राज करने का हकदार है। आप बहुत अच्छे हैं राजा शेर, हमें आप पर गर्व है। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। समझ गए ना बाघ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और इस तरह बाघ को शर्मिंदगी हुई और वो वहाँ से चला गया। शेर, ऊंट, सियार और कौवा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अपने साथियों जैसे भेड़िया, सियार और कौवे के साथ मिलकर रहता था, क्योंकि शेर जंगल का राजा था और सबसे बलशाली भी। सभी लोग उसकी हर बात मानते थे। एक दिन शेर को जंगल में एक ऊंट दिखाई देता है जो अपने झुंड से अलग हो जाता है। वह ऊंट से कहता है, तुम कहाँ से आए हो ऊंट? मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ राजा जी। तभी कालू कौवा कान में जाकर शेर के कुछ कहता है, गुरु जी यह ऊंट है और शहर में रहता है, चलिए इसे मार कर इसका मांस खाते हैं। अरे इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, हम इसे नहीं मारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। ऊंट शेर को शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वह किस तरह से अपने साथियों से अलग हो गया है। शेर उसे इसी जंगल में बिना डर के रहने के लिए कहता है। ऊंट भी उनके साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहने लगता है। कुछ दिन बाद शेर की एक पागल हाथी से लड़ाई हो जाती है, जिसमें शेर भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। घायल होने के कारण शेर चल फिर नहीं पाता और खाने के लिए कोई भी शिकार नहीं ढूंढ पाता। भूखा होने की वजह से शेर कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे शेर की सेहत गिरने लगती है। शेर सभी जानवरों को अपने पास बुलाता है और कहता है, जाओ और जाकर मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है महाराज। जब सभी जानवर शिकार नहीं ढूंढ पाए तो सियार को एक उपाय सूझा। सियार शेर से कहता है, महाराज हमने बहुत ढूंढा पर हमें कोई शिकार नहीं मिला। अगर महाराज आप चाहो तो हम इस ऊंट को मारकर आपकी भूख मिटा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब सियार को शेर ने बहुत डांटा। तब सियार को एक और तरकीब सूझी और वह शेर से कहता है, महाराज अगर आप भूखे रहे तो हम सबके होने का कोई फायदा नहीं, आप हम में से किसी एक को खा लीजिए। नहीं, आप कुछ ऐसा सोचिए जो हम सबके लिए अच्छा हो। सियार अपनी चालाकी से सबको मना लेता है और वे सब शेर के पास एकजुट होकर पहुंच जाते हैं। महाराज मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह एक एक करके सभी जानवर राजा के पास पहुंचे, लेकिन शेर सबको मना करता रहा। महाराज आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। महाराज आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, मुझ पर आपके बहुत एहसान है। यह सुनकर सभी जानवर खुश हो गए, क्योंकि वे जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लेकिन यह क्या, अचानक शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने छलांग लगाई और सभी जानवरों को मारकर खा गया। सियार